नमस्कार दोस्तों, आज हम एलईडी टीवी के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, कभी कभी ये प्रॉब्लम आता है कि इसकी बैकलाइट को लेकर। तो इसमें जो बैकलाइट, मान लीजिए आपने चेंज किया और ये ऑन भी हो गया, चल गया। अब ऐसा क्या है कि कभी कभी ये जो है दूसरे दिन रिपीट आ जाता है प्रॉब्लम, या कभी कभी ऐसा होता है कि ये कभी चलता है और कभी नहीं चलता है। यानी कभी कभी ये बैकलाइट हमारा ऑन होता है, कभी नहीं होता है। उसे कैसे क्लियर करते हैं, पहले तो यहाँ पर देखें। मान लीजिए आपने बैकलाइट को चेंज किया है, उसके बाद कुछ दिन चल के फिर रिटर्न आया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो बैकलाइट का आउटपुट यहाँ पे है सॉकेट, यहाँ पे हम इसके जो ये वायर जा रहे हैं यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज को चेक करते हैं। आउटपुट वोल्टेज चेक करने के लिए, जैसे कि आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पे कितने वोल्टेज हैं, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम पर रखें। जैसे यहाँ पे 20 वोल्ट है, तो इसको हम 200 यानी 200 वोल्ट पे रखते हैं, और प्लस का प्लस पे और माइनस का माइनस पे यहाँ पे ऐसे लगा कर रखेंगे। ठीक है, ये ऐसे। अब यहाँ पे जो है ये दिखा रहा है 42 यानी 42 वोल्ट, और ये स्टैंड बाई यहाँ पे जल रहा है। अब इसको ऑन करते हैं, यहाँ पर देखें। अभी ये स्टैंड बाई और ये जो है बंद हो जाएगा, और यहाँ पे अगर ये वोल्टेज यानी अप होता है, यानी 42 वोल्ट से अधिक होता है, तो ये हमारा ड्राइवर सेक्शन ओके है इधर, ये बैकलाइट ड्राइवर। और अगर यहाँ पे सेम ही वोल्टेज ऐसे रहते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको हम ऑन करते हैं, ये देखिए ऑन हो गया। अब यहाँ पर देखें डिस्प्ले पे इसके मल्टीमीटर के, ठीक है, 43 यानी वोल्टेज को एक बैग, यानी इसको बढ़ना था 80 90 जो भी था, इसको पीक तक जाना था अगर बैक लाइट प्रॉब्लम होता तो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्लियर है कि इसमें प्रॉब्लम है। अब ये कभी ऑन होता है, कभी नहीं ऑन होता, तो इसमें क्या है कि ये निश्चित है ये फॉल्ट है इसमें। लेकिन यहाँ पे फॉल्ट क्या है, उसे कैसे ट्रेस आउट करते हैं, उसे हम देखते हैं। इसमें एक बात और है, अगर आपको इसकी बैकलाइट रिपेयर नहीं करनी है, तो एक ऑप्शन और है। जैसे इसका जो वोल्टेज कैपेसिटी है यानी ड्राइवर का, वो कितने वोल्ट पे ऑपरेट है, वो कैसे पता करेंगे, वो यहीं से पता लग जाएगा। अगर ये हमारा 12 वोल्ट का होगा, तो यानी 12 का होगा तो 12 दिखाएगा, 28 का होगा 28 दिखाएगा, 44 का होगा 44 दिखाएगा। ये वोल्टेज जो मल्टीमीटर पे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वोल्टेज। अब आपको ऊपर ही बाईपास इसको, यानी मान लीजिए ये बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड को यूज करना है, तो ऊपर से ही इसको अगर यूज करना है, तो इसके वोल्टेज के अनुसार जो है इसे हमको यूज करना चाहिए। लेकिन अगर हमको ये 40 वोल्ट का नहीं हमारे पास ड्राइवर है, तो इसे 12 वोल्ट पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। वो कैसे, वो इसके अंदर जो वोल्टेज हैं, यानी जो हमारा 12 वोल्ट और यानी 2 वोल्टेज बनते हैं, जैसे एक बैक लाइट के लिए और एक जो है सिस्टम के लिए, जो एक आइडियो के लिए भी इसमें जाता है, जो हमारा स्पीकर से आवाज़ सुनाई देता है, तो वहाँ से 12 वोल्ट लेकर भी जो है हम ये बैक लाइट का जो ड्राइवर बोर्ड है इसे यूज कर सकते हैं, और बाईपास ये जो है ऑपरेशन कर सकते हैं फास्ट। इसे रिपेयर भी कर सकते हैं, रिपेयर करने में टाइम लगेगा, क्योंकि देखना पड़ेगा कहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्योंकि हमने इसके पहले वीडियो बनाया था डिटेल इसका जो है, कि कहाँ से हमारा वोल्टेज इन होता है और कैसे उसे इनेबल किया जाता है। इनेबल पिन पे भी वोल्टेज चेक करना होता है, अगर इनेबल पिन पे वोल्टेज मिलने के बाद भी अगर बैकलाइट हमारा ये बूस्टअप नहीं हो रहा है, तो उसका भी जो है रीज़न है। तो अभी उसकी हम वीडियो इधर नहीं बनाए हैं, लेकिन इतना जो आपको बता रहे हैं शॉर्टकट, कि अगर रिपेयर करना चाहें तो रिपेयर भी कर सकते हैं, और अगर ऊपर से ये ड्राइवर यूज करना चाहें तो इसे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट आपको देखना होगा, वहीं से लेकर इसे जो है 12 वोल्ट इन करना होगा, और यहाँ से जो है इसे यहाँ से जो है इसके सॉकेट से ये निकाल कर बाहर जोड़ देना होगा, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम इसे देखते हैं रिपेयर करके, फिर आपको वीडियो देते हैं।
अब यहाँ पर बैकलाइट हम कंफर्म करा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम इसे नेगेटिव का लगाएंगे यानी माइनस का प्रॉब, और यहाँ पे ये लगाएंगे पॉजिटिव ये सॉकेट पे। और यहाँ पर दिखा दें ये जो है हमारा यहाँ 91 90 वोल्ट 91 वोल्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये हमारा बैकलाइट ओके है।